थोड़ा ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोग बाइक पे आए हुए हैं। आज हम लोग मंदिर घूमने आए हैं। हमारा जो नयागढ़ का जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर तुम भी ऐसे पकड़ो। अम्मी जी नाच आजो। ये जो मंदिर है 1788 में हुआ था, जो कि ओडिशा के लास्ट इंडिपेंडेंट किंग थे विनायक सिंह मांधाता, उनके दौरान ही ये हुआ था। नयागढ़ की जो फेमस पोएट है जदुमणि, उनके पिताजी यहाँ का आर्किटेक्चर थे इस मंदिर का। उसके बाद कब तक ये कंप्लीट हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन ये 1788 के दौरान हुआ था ऐसे कहावत है। तो हम इस व्याक्रम देंगे तो यार बुल्ला मच सकते दिल्ली हमी। तो यहाँ पर हम भगवान सारे भगवान को दर्शन करके, अब सिर्फ दो भगवान है, ये जो जगन्नाथ भगवान और उस तरफ एक मंदिर है उनको हम दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी माता रानी, वहाँ पर जो है ये उनकी पालकी है, और ये भगवान जगन्नाथ भगवान क्या पालकी है। इस तरफ क्या है, घोड़े रखे हुए हैं, ये रथ के घोड़े हैं, रथ के सारे घोड़े, काले घोड़े, ये सब रथ के सामान इसके अंदर सब है। और ये पूरा
ये आंवला पेड़ है। कार्तिक महीने में जो लोग हबीस पालते हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह आकर पूजा करते हैं बृंदावती के पास। तो यहाँ पर देखिए तोता बैठा है यहाँ पर मंदिर के ऊपर, यहाँ इधर उधर तो वो मंदिर में। यहाँ पर अभी दो तोते थे और एक उधर उड़कर चला गया और एक यहाँ पर बैठा है। देखिए ये लक्ष्मी मंदिर है, लक्ष्मी माँ की मंदिर। तो यहाँ पर है भगवान का स्नान मंडप। देखो स्नान पूर्णिमा में यहाँ पर भगवान को लाया जाता है, यहाँ पर बैठाया जाता है, यहाँ पर तीनों को बैठाया जाता है और यहाँ पर उनको बाल्टी से पानी लाकर नहाया जाता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जगन्नाथ, ये बलभद्र और ये सुभद्रा। आनंद बाजार है, प्रसाद यहाँ पर सेवन करते हैं।
का झूलन मंडप है। जब झूलन यात्रा होता है यहाँ पर महाप्रभु झूलते हैं। और ये देखिए रथ का सामान यहाँ पर रहता है। जब रथ यात्रा होता है यहीं पर रथ रुकता है, यहीं से ही शुरू होता है रथ यात्रा।